भूपेंद्र शर्मा मालवी भरतपुर राजस्थान से। ढोलक पर ताल दे रहे हैं बड़े भैया। बड़ा भाई पवन जी उजरई खदानी आगरा उत्तर प्रदेश से जीका पर संगति कर रहे हैं पंडित घनश्याम शर्मा रूपास वाले। और आप लोगों तक इस आवाज का आगाज किया जा रहा है चित्रांकन व छायांकन में, यानी कि ऑडियो व वीडियो में आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं पंडित रोहता साउंड सर्विस। विद्वानों देखो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि समय सीमा सबके लिए बराबर है दादाओं, और मानस में बाबा तुलसीदास पहले ही लिख गए। सुना हूं भरत भावी प्रबल विलख कहा मन नाथ, हान लाभ जीवन मरण यस अपयस विदे। पुराने जमाने में देखो कुछ हमारी बड़ी बूढ़ी मैया बैठी है यहाँ, बुजुर्ग बैठे हैं घर में बे मिले गोल गोल शीशा के काठ की लकड़िया पे कांच जड़े रहे हो बाते बोले पट्टा। और आजकल चल गई है ड्रेसिंग टेबल, तो कोई कोई मोबार गमार तो वह ड्रेसिंग टेबल के आगे ठाड़ो है जाए पांच चार बार यूं पट्टी निकाले और यो के भाई भगवान तेने हिंदुस्तान में मोते मलूक कोई बना कोई ना। लेकिन नादान सुन होगा क्या पवन भैया क्या लिख रहा है कभी संगीत क्या है दादाजी? संगीत वह शक्ति है हर स्वर में बसे हैं राम, रागी जब सुनाए रागिणी तो रोगी को मिले आराम। कवि कह रहा है राम नाम अंत के समय पे तेरे जे ही काम। देखो एक धुनाई पहले धुन सुनो जाके शूटिंग हो तुम्हारे अलवर जिले में माला खेड़ा में भाई, पहले तर्ज सुनो और 21 रुपए एक छोटी सी बच्ची दे रही है बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तर्ज सुनो फिर मेरी बात सुनियो। ये भारतवर्ष ये 101 रुपए का पुरस्कार संत भगवान की तरफ से मानस में पहले लिख दिया है प्रथम भगत संतन कर संगा दूसरे रत्न कथा प्रसंगा। अमर भैया धुन क्या कह रही है? ये बंधन तो
जन्मों का संगम है। और कह रहा है कवि, धरती दुल्हन सी सजती, अरे मेरे भारतवर्ष, धरती दुल्हन सी सजती, गिरधर की मुरलिया बजती, जहां मीरा संकट सहती, जहां मीरा संकट सहती, जिस देश में गंगा बहती। इसलिए कहता हूं क्या, ये हिंदुसुता हमारा तन मन है। और बात अगर दिल तक जाए तो थोड़ा सा तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा। और कभी कह रहा है सुनिए, ये हिंदुसुता
विद्वाना देखो अपने प्रसंग की थोड़ी सी पुनरावृत्ति कर रहा हूं दादाजी। पहले राउंड पर नंबर सबसे पहले था इसलिए कुछ लोग थे नहीं। बलशाली रावण ने कौशलपुर में महाराज कौशल की पुत्री कौशल्या का हरण करके एक संदूक में बंद करके उसे सरयू नदी में बहा दिया और दशरथ जी महाराज कौशल्या की बरात लेके दादा कौशलपुर में पहुंच गए। महाराज सुकौशल को जब पता चला कि बरात दरवाजे पे आ गई है और विनकी बेटी कौशल्या को कोई हरण करके ले गो, रोने लगे महाराज सुकौशल। अपने मंत्री को पास में बुलाया, अपने मंत्री से कह रहे महाराज सुकौशल भैया बता मैं क्या करूं, भैया बता मैं क्या करूं, कुछ भी समझ आता नहीं। अरे दाग कुल को लग गया ये मेटा जाना नहीं। अब महाराज सुकौशल और उनकी रानी मंत्री के आगे ठाड़े है गए हाथ जोड़ के, दोनों रो रहे हैं और देखो जिकड़ी की झड़ा आ रही है, झड़ में रो रहे हैं। कैसे रो रहे हैं मास्टर, क्या हाल है? जीवन ख्वार भयो अब मेरा कैसे मुख दिख छोड़ के
बन दे मैया बापन दे पैसा ले होटल पे खानो तुमने देखी होगी एक नई स्टाइल चली है अलग ही एक साइड बिल्कुल ऐसी मिलेगी फ्रेश ऐसे समझो देव उठनी ग्यारह को काऊ ने चौका लगाया था और एक साइड ऐसे समझो जैसे काऊ ने बिटोरा की छान ज्यादा ही हुई यूं आ
जो खुद को ना पहचान सका, गाना गाने से क्या होगा। काशी मथुरा हरिद्वार गोकुल जाने से माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा। माँ बाप की सेवा कर न सका, मंदिर जाने से क्या होगा। और जब मन का, जब दिल का, जब मन का मैल नहीं धोया गंगा नहाने से क्या होगा। मन का मैल नहीं। और देखो विद्वानों, अब टाइम इतना ही हो, देखो सबको बराबर है मामला। गीत शॉर्ट में कह रहा हूं, जैसे हमारे और तुम्हारे बीच में थे 1000 और 500 के पहले वाले नोट गायब है गए ना, ऐसे ही हमारी समाज से, हमारी संस्कृति से बहुत कुछ विलुप्त होता जा रहा है। आगे को है जाएगा। एक लोक गीत गाती है हमारी माता बहन ब्रज में, पहले गीत की धुन सुनो, फिर गीत सुनियो, और थोड़ा सा आनंद आवे तो ताली, और नहीं आवे तो भले ही ते गाली। कोई सुनिए गीत क्या कह रहा है। अरे आए जइयो जमुना किनारे, ये तो धुने। अब गीत का कह रहो देखो, रह जाओगे तुम, रह जाओगे। मर्म क्या है संगीत का पवन दादा? रह जाओगे, रह जाओगे, रह जाओगे, रह जाओगे, रह जाओगे, रह जाओगे, रह अगली सदी में मेरे यार। गुरु सच्चा गुरुदेव, गुरु सच्चा शिष्य आज्ञाकारी। वैसे जो टॉप लेवल के गुरु है ना, टॉप लेवल के, ये तो गवर्नमेंट ने लगाए दिए ठिकाने थे। गुरु सच्चा शिष्य आज्ञाकारी। नेक पति हा, नेक पति पति पिरता नारी। भाई को, भैया को, पहले जमाने में हमारे बड़े बूढ़े ने कैसा प्यार हो। आज के जमाने में अगर काव के घर में 5 छोरा है रहे ना, सबसे पहले खोपड़ी ने फोर फोर के भी मर रहे हैं। नेक पति पत फिरता नारी। चाचा भैया को मीठो मीठो प्यार है, भाई को मधुर दुलार। ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में मेरे यार। ढूंढते रह जाओगे अगली सदी में मेरे यार। अब दूसरी बात आ रही है, और दूसरी बात क्या कह रही है? मर्द की मूछ, मर्द की मूछ सा
की चादर। एक बात फिर याद आ रही है तुमके तो लगे सतू ना कह दऊं सा, ये जो मोच है ना मोच, इनकी बड़ी बड़ी क्वालिटी है। ये जो हमारी मोच है हल्की हल्की सी, हमारे ढोलक वाले पवन भैया इनकी मोच है, इन मोचन को नाम है सदाबहार मोच। और कचून के होटन के ऊपर तुमन ने यहाँ एक मक्खी सी धरी मिलेगी नेक छोटी सी, बिन मोचन को नाम है जियो और जीने दो। और कचून की मोच जो नीचे उलट के मिलेगी ये, बिन मोचन को नाम है लटक मत पट दूंगी। और कचून की मोचन में जो अंटा लगे मिलेंगे, बिन मोचन को नाम है जीने नहीं दूंगा। और कचून की मोचन पर एक बांध नहीं मिलेगा सा, यहां बैठे होंगे दो चार नमूना, देखो हमारे कमेटी वाले, इन मोचन को नाम है आई लव यू मोच। क्या लिखा मास्टर? मर्द की मूछ सास की चादर, बहू को घूंघट। देखो मैया बरो मत मानियो, तैयारी ना कह रहा हूं मैं, रजानी सी चली आवे कोई पल्लिया की, कह रहा हूं मैं तो अपने मांग की है जी। और ये एक सौ एक रुपए हमारे भाई साहब दे रहे हैं, मानक चंद ठेकेदार जी रामबा। अम्मा तुम्हारे जमाने में ये सब घूंघट ना मारे जाओ, आजकल तो स्टाइल ये लगे घूंघट की, कह तो देखो यहाँ तक न्यू नाक को टवा टवा सो दिखेगा न्यू, कह फिर न्यू कर लेगी देखो न्यू आड़ कर लेगी न्यू लाली आमनी बड़े इंटरने का जो कह दियो फलानी भैंस की पड़िया खुल गई है भाई बहन दे बार तू ही कह दे बड़े इंटरने कसर का छोड़ दे ये कह बेर मरद की पूछ सास की चादर, बहू का घूंघट बड़ों का आदर। नारी के ब्यूटी पार्लर पे जा जाए के कटा कटाए के कटा कटाए के कटा कटाए के हैप्पी कट बॉबी कट जन कुन कुन से कट पतो ना है। मर्द की पूछ कोई बात ना है ऐसे चले हम टेलीफोन करवाए हुए तुमने पतो ना है। मर्द की पूछ सास की चादर, बहू को घूंघट बड़ों का आदर। नारी के लंबे लंबे बार पीवे को दूध कर, पीवे को दूध कर खाए को मेवा। जानी जानी का जोसी बुढ़ापे की सेवा, हरा भरा परिवार। मेरे बड़े बूढ़े एक एक कच्चे कोठे में पांच पांच भैया जिंदगी निकाल दे। आजकल तो छोरा को ब्याह होगा तीन महीना निकलेंगे, जब तक तो कान में खुसुर खुसुर है लग पड़ेगा। छह महीना शादियों में निकरी गए, छह महीना एक ही बात कहेगी कि अम्मा दादा को कहूं अलग बना दो। और एक साल अगर शादियों में निकल गई, एक साल दोबारा बात नहीं मिलेगी। गौर तो सुनियो, एक ही बात कहेगी का ये गैस सिलेंडर कर तैयार, मैं आई बड़ी फैशन ना अलग धल्ले के सब अलग अलग पी बे को दूध और खाए बे को मेवा। जानी का जोत बुढ़ापे की सेवा, हरा भरा परिवार। अखियां पानी दार, शर्म तो काउ काउ की आंखन में मिलेगी वो बार की में। उसकी ताको सार नारी के लंबे लंबे बार, भैया